हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? होप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल माही पटेल ब्लॉग्स। तो सुबह सुबह मैं आ गई बालकनी में, बालकनी को क्लीन करने। इतना डस्ट जमा हो जाता है, डेली साफ करो फिर भी। तो मैंने एक एक करके सारे प्लांट्स को हटाया और अच्छे से डस्ट को क्लीन किया। और हमारे घर के आगे चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम, इसलिए और बहुत सारी धूल जमा होती रहती है हर रोज़, और हर रोज़ की सफाई होती रहती है। बालकनी साफ़ करने के बाद मैं आ गई किचन में। किचन का भी बुरा हाल था, क्योंकि नाश्ता बनाने के बाद सारे बर्तन सब कुछ पड़े थे। तो मैंने स्टार्ट किया, सबसे पहले लाइटर और नाइफ को क्लीन किया, उसके बाद मैंने सारे बर्तन को सिंक में डाला और मैंने स्टार्ट किया क्लीनिंग गैस से। गैस को अच्छे से क्लीन किया। किचन के वॉल को भी हमें डेली साफ़ करना चाहिए, ताकि ज़्यादा डस्ट और ये तेल मसाले जमा ना हो। उसको क्लीन करने के बाद मैं धोने लग गई बर्तन, नाश्ता, चाय और नाश्ता के जो भी बर्तन थे उसको धोने लग गई। और मैं सुबह सुबह नाश्ता बना लेती हूँ और दोपहर की सब्ज़ी भी बना लेती हूँ। चॉपिंग वॉपिंग करने के बाद ही मैं किचन को क्लीन करती हूँ, ताकि फिर एक बार किचन क्लीन करने के बाद ज़्यादा कचरा ना फैले। दोपहर में बनाना होता है दाल चावल, तो दाल चावल में कुछ कचरा वैसे फैलता नहीं है, तो इसलिए मैं सारा काम निपटाने के बाद ही करती हूँ। और बर्तन करने के बाद मैं किचन में लगाने लग गई झाड़ू। किचन का काम निपटाने के बाद मैं आ गई बेडरूम में। बेडरूम में भी बिस्तर सब ऐसे पड़ा होता है सो के उठने के बाद, क्योंकि सुबह तो बहुत जल्दी होता है, तो सुबह पॉसिबल नहीं है कि तुरंत उठते ही हम बेड को क्लीन करें। तो बाकी और सब काम निपटाने के बाद मैं आ गई बेडरूम में क्लीन करने अपना बेड बनाने। और वैसे भी ठंड में तो बहुत सारे ब्लैंकेट वगैरह हो जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने अपने बेड को क्लीन कर दिया। अब बेड क्लीन करने के बाद ही घर एकदम बहुत सुंदर दिखने लग जाता है। बेड बनाने के बाद अब मुझे लगाना था झाड़ू, तो मैंने लगाना स्टार्ट किया झाड़ू। और झाड़ू लगाने के बाद मैं डस्टिंग करती हूँ, क्योंकि डस्टिंग पहले कर लेने से फिर झाड़ू लगाने के बाद डस्ट उतना ही जमा हो जाता है, तो इसलिए पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ उसके बाद डस्टिंग करती हूँ। अब यहाँ पर मेरा झाड़ू लग गया है और अब मैं कर रही हूँ डस्टिंग। पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद, बेड वेड सब कुछ क्लीन करने के बाद, अब लास्ट में नंबर आता है पोछा लगाने का। तो मैं यहाँ पे लगाने लग गई पोछा। और आजकल ठंड बहुत ज़्यादा है, नहीं तो मैं हाथ से ही पोछा लगाती हूँ। तो घर में पोछा लगाने के बाद आखिरी में नंबर आता है बालकनी का, तो यहाँ पे मैं बालकनी में पोछा लगाने लग गई लास्ट में। तो दोस्तों, ये है रोज़ का बेसिक क्लीनिंग, जो कि हर घर में होता ही है और हमें करना भी चाहिए। बेसिक क्लीनिंग से ही घर एकदम साफ़ सुथरा और क्लीन रहता है। तो बाय गाइज, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो।